नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव की रैलियों के मंच से कट्टरपंथी और धर्म के नाम पर महिलाओं और बच्चों का शोषण करने वालों पर अब तक सबसे जोरदार हमला बोला है। वैशाली की रैली के मंच से सीएम योगी ने कहा, किसी कठमुल्ले के कहने पर फतवा जारी करना, तीन तलाक जैसी कुप्रथा का समर्थन करना कांग्रेस और राजद के लोग करते थे। यही नहीं, ये लोग नाक रगड़ कर उनके पास जाते थे और कहते थे इस मुद्दे पर फतवा जारी कर दीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब समय बदल गया है, देश फतवों के अनुसार नहीं संविधान के अनुसार चलेगा। सीएम योगी ने भीड़ से पूछा, आप बताइए ये देश फतवों से चलेगा या संविधान से? सिवान, वैशाली और मधुबनी के विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस और राजद फिर से जंगल राज की स्थापना करना चाहते हैं। बिहार अपने युवाओं को ऊर्जा और नौजवानों की प्रतिभा के लिए जाना जाता है। भाजपा ने कश्मीर से धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और अब इस देश की धरती से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। सीएम योगी बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान अपने पूरे रंग में थे। कट्टरपंथियों के खिलाफ सीधा हमला कर योगी ने यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार, भाजपा अपने मूल एजेंडे पर अभी भी कायम है। फिर चाहे वो कश्मीर में 370 का मामला हो या फिर यूपी और बिहार में कट्टरपंथी ताकतों और उनके मंसूबों को खत्म करना हो। योगी आदित्यनाथ ने फतवों और मजहब की राजनीति कर यूपी, बिहार या फिर देश में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर भी आक्रमण हमला किया और कहा कि ये उनके लिए चेतावनी है। ज्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।